टीवीएमएच न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक मिल सके। नमस्कार सभी को, मैं सुधीर कुमार तिवारी पंडित तकरीबन 35 साल से कांग्रेस में काम कर रहा हूं। कारवां ताजा कॉरपोरेटर कॉन्टेस्ट करा, आज गोशामैल विधानसभा से 17-18 लोग नामिनेशन डाले, उसके अंदर 12 लोग लोकल है। हमारी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी साहब से ये गुजारिश थी कि लोकल को कैंडिडेट को टिकट देना, लेकिन रेवंत रेड्डी साहब एक पैराशूट से उतरी हुई एक महिला को टिकट दे दिए। ऑलरेडी जिस तरह पंजाब के अंदर जो हुआ, ये जो अनमिंदर सिंह ठाकुर कैप्टन को हटाकर एक दूसरी पार्टी के अध्यक्ष को नवजीत सिंह सिद्धू को बनाए थे, पंजाब में कैसी हालत हो गई, वो हालत तेलंगाना में हो जाएंगी। इसका जिम्मेदार रेवंत रेड्डी रहेगा, क्योंकि यहाँ पूरे कांग्रेसी है। इस धरने में दो विधायक, दो एक्स एमएलए के बेटे हैं, एक विनय भाई, एक ठाकुर जितेंद्र सिंह जी जो उनके वालिद एमएलए रह चुके, महाराजगंज के रह चुके, कारवान के रह चुके, आज वो लोग भी टिकट के दावेदार हैं। प्रेमलाल बीसी के चेयरमैन थे, उन्होंने दावेदार है। एक्स कॉरपोरेटर अनिल सिंह दावेदार है। कॉन्टेस्टेड कॉरपोरेटर कन्हैया लाल साहु दावेदार है। बीसी से श्रीधर गौड़ है, संजय यादव है। अभी महिला बोले तो हमारे पास मैडम नर्मदा सिंह जी कैंडिडेट है। अगर इसमें से आपको रणधीर ठाकुर है, उसमें मैं भी एक है, ऐसे 12 लोग है, माइनॉरिटी के बायां भी है, उनको भी टिकट दे बोल के हमारी गुजारिश रेवंत रेड्डी से यही थी। लेकिन रेवंत रेड्डी साहब क्या करे, हर तकरीर में बोल रहे वो दो भाया मेरे दोस्ता है, मेरे अच्छे दोस्ता है, मेरा पुराना दोस्ताना है। पूरे पुराने शहर को तो कांग्रेस के वास्ते वाट लगा दिए उन्होंने, उनके दोस्तों को क्या करे उनका मालूम। और रेवंत रेड्डी साहब जो है तो कांग्रेस के उन्होंने नहीं है, उन्होंने पॉलिटिकल बेनिफिट के वास्ते, सीएम बनने के वास्ते, या तो कांग्रेस को खत्म करने के वास्ते तेलुगु देशम छोड़ के कांग्रेस में आके आज कांग्रेस के ऊपर राज कर रहे। आज हमारे पुराने सीनियर और लीडर हैं जो पीसीसी की लाइन में थे, आज रेवंत रेड्डी आने से आज पूरी मार्केटिंग रेवंत रेड्डी के हाथ में है। अगर कोई भी बड़ा आवाज करेगा, जो भी हमारे एमएलए एमपी और भी है, नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, उनको पार्टी से सस्पेंड कर देंगे बोल रहे। किसके दबाव में बोल रहे, रेवंत रेड्डी साहब। और एक है ये जो यहाँ पे गोशामैल के अंदर दिया टिकट लेडीज़ को, उसके लिए आज पूरे कॉन्टेस्टेड कॉरपोरेटर पीसीसी में काम करने वाले सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी बहुत से लोग हैं, डिविजन्स के लोग हैं, वो कोई भी वो मैडम को काम नहीं करेंगे। बिल्कुल खानदानी कांग्रेस है, हमारे खून में कांग्रेस है। जैसा एक झाड़ में इमली के झाड़ में इमली लगती, नींबू नहीं लगता, ऐसा हमारे खून में दूसरी पार्टी नहीं आ सकती। और भी शहर के अंदर कांग्रेस के लीडर लड़ रहे, वहाँ जाके काम करेंगे, लेकिन यहाँ पे बाहरी कैंडिडेट को हम काम नहीं करेंगे। रेवंत रेड्डी साहब, आप जो तेलुगु देशम का कई लोगों को, तेलुगु देशम के लोगों को इन्वॉल्व कर लिए, उन्होंने पीसीसी मेंबरशिप, अभी एक हमारे नेता बोले मेंबरशिप बनाए तो उसको पीसीसी मेंबर देंगे बोल के, गोशामहल के अंदर पीसीसी मेंबर भी किसको नहीं दिया गया भाई साहब? कोई कुमार बोल के है, वो गांधी भवन के दरवाजे खोलता है उन्हें, वहीं बैठे रहता है उन्हें पीसीसी मेंबर। कोई मशीराबाद से, उसको पीसीसी मेंबर। तो गोशामहल के अंदर कांग्रेस का पीसीसी मेंबर बनने का लायक नहीं है क्या कोई भी? फिर आप धरने हमसे कराते, मीटिंग गोशामहल में हमसे कराते, जब भी हैदराबाद के अंदर धरना होता, पूरे पुराने शहर, पूरे हैदराबाद पार्लियामेंट के लोग आते, पंडित 10 को ला लो, केराज 10 को ला लो, कन्नू कल्याण 10 को ला लो, केवल एक 20 को ला लो, यीशु भाई बहादुरपुर से 10 को ला लो, खदीर भाई नामपल्ली से एक 10 को ला लो। पूर्व को ऐसा यूज़ करने का है तो उनका फ्यूचर मत खराब करो। ब्रोकर कांग्रेस के जो लीडर हैं उनको भी हमारी चेतावनी है, हमारी इसमें सैलरी नहीं है, पार्टी से सस्पेंड कर देंगे बोल के सूचना आई, कुछ उसमें इजाफा नहीं रहता, कुछ हमारा घर नहीं चल रहा। गोशामहल का हर कांग्रेस का कार्यकर्ता मेरे भाइयों, घर के पैसे, जेबक के पैसे लगा के काम करने वाला है, इसीलिए उसको जब तक हटाएंगे नहीं, 12 में से किसको देंगे नहीं, कोई काम करेगा नहीं। और जो भी अगर काम करेगा गोशामहल के अंदर, पुराना कांग्रेसी ने मेरे को पार्टी देखने का, तो अड्डे पे का लेबर रहेगा वो, जैसा अड्डे को जाते अपन, चल रहे दीवार तोड़ना है, चल रहे झंडा पकड़ना है, चल रहे चुना डालना है, वो गत वो कार्यकर्ता की रहेंगी। और फ्यूचर में कहीं ना कहीं उसका सामना असली कार्यकर्ता से होगा, उसको सबक सिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत।
कांग्रेस, यही कांग्रेस, यही कांग्रेस, यही कांग्रेस, यही कांग्रेस। सोशल मेल कॉन्सेंट्री जो कैंडिडेट को जो है निकाल के लोकल कैंडिडेट को देना चाहिए, लोकल कैंडिडेट को दिए तो जीतते। जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, लोकल कैंडिडेट कोशामेल दो, कांग्रेस बचाओ, कोशामेल कांग्रेस कैंडिडेट दो, कोशामेल बचाओ, कोशामेल कैंडिडेट दो, कांग्रेस बचाओ, लोकल कैंडिडेट दो, कांग्रेस बचाओ, लोकल कैंडिडेट दो, कांग्रेस बचाओ, कोशामेल लोकल कैंडिडेट दो, कांग्रेस बचाओ। जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस। राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद। राइट।